नमस्कार दोस्तों, हार्दिक अभिनंदन करता हूं मैं आप सभी का हमारे इस चैनल इलेक्ट्रॉनिक स्टडी पर। आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर से आपके इंग्लिश क्वेश्चन पेपर को लेकर के, जो कि आपका जो ईयर है वो है 2017 से। तो 2017 में जो आपका परीक्षा प्रश्न पत्र इंग्लिश का आया था उसको लेकर के आज अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मित्रों, प्रश्नों का जो प्रारूप है, प्रश्न प्रारूप, वो आप सभी को अच्छी तरीके से पता है। क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस, उसके बाद आपके शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेकर के बात की जाए तो एक एक नंबर के होते हैं, ऐसे वेरी शॉर्ट टाइप के होते हैं, और अगर बात की जाए शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस को लेकर के तो दो दो नंबर के आपके पूछे जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो है हम बात करेंगे, अगर आपके समय की बात की जाए तो एक घंटा जो है टाइम अलॉटेड है। इसमें जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो 25 हैं। तो चलिए बात करते हैं, आपका 2017 में पूछा गया जो प्रश्न पत्र था डीएलएड सेकंड सेमेस्टर से, इसमें पहला है आपका, मैं आप सभी को बता दूं कि जब आप डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में होंगे तो आपको जो है इंग्लिश पढ़नी होगी, जब आप फर्स्ट सेमेस्टर में होंगे तो संस्कृत होती है, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट से ही शुरू करते हैं। जब आप फर्स्ट सेमेस्टर में रहेंगे तो संस्कृत पढ़ना होता है, जब आप सेकंड में जाएंगे तो आपको इंग्लिश पढ़नी होगी, ठीक है। थर्ड में फिर से संस्कृत है और फोर्थ में फिर से इंग्लिश है। तो आपका अगर सेकंड सेमेस्टर है तो आपको इस वर्ष जो है आपको, मतलब इस सेमेस्टर में आपको इंग्लिश पढ़नी होगी। तो उसका पेपर ये है आपके सामने। पहला इसमें लिखा हुआ है कि हु इन्वेंटेड बाइलिंगुअल मेथड। अगर मैं बात करूँ बाइलिंगुअल मेथड के बारे में, तो इसके बारे में ऑलरेडी मैं लेक्चर ले चुका हूँ, मैं बता चुका हूँ, प्लेलिस्ट बनी हुई है। जिन भी मित्रों को खोजने में दिक्कत होती है कि कहाँ पे है वीडियो, तो मैंने प्लेलिस्ट अलग अलग बना दी है प्रत्येक सब्जेक्ट की। आप जाइए, इंग्लिश की प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ से आप जो है बाइलिंगुअल मेथड के बारे में पढ़ सकते हैं। वैसे भी मैं इन सभी के आंसर्स जो है मैं बोल रहा हूँ एक दो दिन में मैं देने शुरू कर दूंगा, जितने भी आपके क्वेश्चन पेपर हैं। तो ऑप्शंस में इसमें है एच ए पामर, उसके बाद है बी में डॉक्टर वेस्ट, सी में है प्रोफेसर सी जे डॉडसन, डी में है ओ जैस्पर्सन। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में है कि न्यू मेथड इज रिलेटेड टू, इसमें डॉक्टर वेस्ट से है या ई एच पामर से है, प्रोफेसर सी जे डॉडसन से है या ओ जैस्पर्सन से है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, तो इसमें है आई कैन, उसके बाद है डॉट डॉट डॉट, हिज रिक्वेस्ट, तो इसमें ऑन ऑफ एट बाय क्या होगा वो आपको फिल करना है, प्रीपोजिशन है आपका इसमें। फोर्थ जो क्वेश्चन है वो है चूज द करेक्ट आर्टिकल, इसमें है कि ही बिकेम, अब डॉट डॉट है ग्रेट मैन, आपको इसमें फिल करना है। उसके बाद 5वां है कि रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स, टुडे नेचर मैन इज प्लेइंग विद, अब इसमें ए बी सी डी करके दिया हुआ है, ऑप्शंस में आपको अरेंज करना है, अरेंजिंग वे में कौन सा सही होगा वो आपका उत्तर होगा। बात कर लेते हैं जो है 5 नंबर क्वेश्चन के बाद, वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस जो है आपके, उसमें 6 नंबर में है चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। एक्टिव पैसिव वॉइस मैंने नहीं बताया है, मैं कोशिश करूंगा एक्टिव पैसिव वॉइस जो है, अगर इंग्लिश का जो नेक्स्ट हो वो एक्टिव पैसिव वॉइस हो आपका जो है। तो इसमें है कि शी इन्वाइटेड मी होम, एक नंबर का। 7वां है इसमें फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट प्रोनाउन, इसमें है कि द बर्ड हैज हर्ट, उसके बाद डॉट 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 लेफ्ट विंग। 8 नंबर क्वेश्चन जो है वो कहता है, पूछ रहा है कि पॉइंट आउट द नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस, इसमें है कि जतिन स्पीक्स हिंदी एंड उर्दू, नाउन को फाइंड आउट करना है आपको इसमें। 9 नंबर में है कि चेंज द फॉलोइंग इन टू कंपेरेटिव डिग्री, उसके बाद लीड इज द हैवीएस्ट ऑफ ऑल मेटल्स, सॉरी लेड है ये, लेड इज द हैवीएस्ट ऑफ ऑल मेटल्स, तो ये बताना है इसको आपको जो है कंपेरेटिव डिग्री में आपको चेंज करना है। 10 नंबर में है कि फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट डिटरमाइनर, तो टेक, उसके बाद डॉट 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 है एज यू वॉन्ट, एक नंबर क्वेश्चन में है। 11 नंबर का क्वेश्चन आपका है कन्वर्ट द फॉलोइंग सिंपल सेंटेंसेज इन टू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, आई होप टू पास द टेस्ट, ये आपको जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करना है। बात कर लेते हैं शॉर्ट टाइप के जो क्वेश्चन हैं उनके बारे में, दो दो नंबर के सवाल। इसमें आपका लिखा हुआ है 12 नंबर का क्वेश्चन कि डिफाइन नाउन विद एग्जाम्पल, आपको नाउन यानी कि जो संज्ञा होती है उसकी परिभाषा बतानी है एग्जाम्पल के साथ में, उदाहरण सहित। 13 नंबर में है कि कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ फॉलोइंग, स्पेलिंग में आपको कंप्लीट करना है पहला और दूसरा इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे पहला अल्फाबेट अगर आपको मिल रहा है तो दूसरा क्या होगा, इसी तरीके से। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय यूजिंग पजेसिव प्रोनाउन, एवरीवन विल टेक देयर ऑन सीट, पजेसिव प्रोनाउन आपको चेंज करना है यूजिंग पजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। 15 नंबर में है कि राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, तो समवन हु परसूज अ स्टडी और स्पोर्ट एज अ पास्ट टाइम,
उसको क्या बोलते हैं, एंड जो सेकंड है वो है अ गैदरिंग ऑफ स्पेक्टेटर्स और लिसनर्स एट अ परफॉर्मेंस। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को भी मैं बता दूंगा, मैं अभी तक हिंदी में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को मैं काफ़ी कुछ बताया हूँ, वो क्या है इसके लिए एक शब्द, तो आपके वो TET वगैरह के पेपर के लिए जो है इम्पॉर्टेंट रहेगा। मैं इंग्लिश में भी बता दूंगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आगे इसमें है, क्योंकि आपका ये 2 नंबर में पूछा जाता है, 2 नंबर का मायने है इसमें। 16 नंबर में दिया हुआ है कि पंक्चुएट ऑफ द फॉलोइंग लेटर विद पंक्चुएशन मार्क्स वेरेवर नेसेसरी। इसमें दिया हुआ है सेड द फादर आई कैन एट लीस्ट डू दैट मच, ये क्वेश्चन 2 नंबर का है आपका। 17 नंबर में पूछा है करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस योर्स ट्रूली, और उसके बाद सेकंड दिया है कि टॉम इज ओल्डर देन मी, इसको जो है आपको फॉलोइंग सेंटेंस करेक्ट करना है। उसके बाद 18 नंबर और अंतिम लास्ट क्वेश्चन आपका है राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड टेलिंग हिम हाउ यू स्पेंट योर समर वैकेशन। तो मित्रों मैं बात कर रहा था जो है आपका जो इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर है DLED सेकेंड सेमेस्टर से वर्ष 2017 का। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, अपने दोस्तों के साथ में अपने कलीग्स के साथ में वीडियो को शेयर ज़रूर करें। जो भी नए यूज़र्स हैं व्यूअर्स हैं हमारे इस चैनल पर, उनसे रिक्वेस्ट है, उनसे विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो बेल आइकन है रेड बेल आइकन उसको भी दबाना ना भूलें, जिससे कि प्रॉपर नोटिफिकेशन आप सभी को हमारे चैनल पर अपलोड होने वाले वीडियोज़ की मिलती रहे। तो जल्दी मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।